कौन? अब नाउ यू कैन, उसमें जो है आविधा भी है, लक्षणा भी है और व्यंजना भी है. तो आप हर एक लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन पर उसको ले जाइए. मतलब डायरेक्ट जो हम और संचारी जो हम कह रहे हैं वो अलग है. तो हम लोग नॉर्मल वो डायरेक्ट और संचारी करते रहते हैं, लेकिन उसके लक्षणा पे फिर भी चले जाइए. द रेफरेंशियल, द सिम्बॉलिस्ट, और फिर आप उसके फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. आई लव डूइंग वन पीस जो एक बार बचपन में सीखा था ना, आई स्टिल लव डूइंग इट. एक है अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम. तो जब हम कहते हैं अटरिया तो मतलब छत पे कोठा. तो अब जैसे ही शब्द आता है आपके जहन में तो अब कौन जा रहा है, क्योंकि वो चढ़ के मैं हो गई बदनाम. वो कह रही कि मैं तो हो गई बदनाम. और एक उमराव जान का ही सोच लीजिए कि वो चढ़ गई तो बदनाम हो गई. कहाँ एक रईस घर की नवाब की साहबजादी और वो कहाँ चली गई. तो वो हो गई बदनाम. अब आप इसको तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिम्बोलिज्म में ले लें तो कैसे करेंगे? तो उसमें भी कि अटरिया पे चढ़ गए. अब अटरिया अगर आप उसको छत पे नहीं किया, आप योर क्लाइंबिंग, तो फिर कि अगर आप सिंदूर का डिब्बा जब तक बंद है तब तक तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन जहाँ वो सिंदूर अपने आप को अगर आप समझ लीजिए वो नायिका है, वो अटरिया पे चढ़ गए. मतलब साफ है. तो इस तरह से जो है जो, और अगर एक और, कब हम लोग अटरिया पे चढ़ते हैं? क्या बात, अटरिया पे चढ़ते हैं. तो ये जो है ये भाव बताने का है, और उसमें गायकी भी उसी तरह से है. अटरिया पे चढ़ गई मतलब उसकी मूड जो है, तो गायकी अंग की मूड को समझना है. तो अगर नॉर्मली पहले खुद ही लोग गाते थे, लोग गा करके करते थे और फिर वो मूड बदलते रहता था, और उस मूड के हिसाब से कभी आपकी विनती है तो कभी ये है तो कभी वो है. लेकिन अगर दूसरा गायक गा रहा है तो उसके मूड को भी समझना होगा कि उसकी आवाज कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है, और उसको भी आपको समझ कि आपकी ये जो है किस मूड में आप जा रहे हैं. क्या बात है दीदी, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है, और आप बहुत सीखने वाली बात है कि एक ही शब्द को कितने अलग तरीके. आप देखिए दो एग्जांपल उन्होंने दिए, पोल्स अपार्ट, एकदम डिफरेंट. आप सोच ये सोच, मुझे लगता है कि डांसर्स को बहुत सोचना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए उसमें. जैसे उन्होंने कितनी बार बोला कि यू हैव टू लिव इट एवरी मोमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू परफॉर्म. एंड आई थिंक इन कथक वी आर ब्लेस्ड दैट वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू इट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दीदी, सो ट्रू, आपने बिल्कुल सही कहा. और मतलब बैठक ही भाव इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसमें कविता तो है ही है, उसके साथ में जो आप अलग अलग पहलुओं को चूज कर पाते हैं वो जो फ्रीडम है. पर क्या बैठक की भाव किसी और स्टाइल में भी प्रिवेल किया है? हाँ, तमाशा में मैंने देखा है, खुद से आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द परफॉर्मर,